बांग्लादेश में मुतनाज़े इंतखाबात मुकम्मल, शेख हसीना वाजिद कामयाब करार। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद गोपालगंज हल्के से 8वीं बार कामयाब हुई। हुकाम का मुल्क भर में वोटर्स टर्नआउट 40% रहने का दावा। पोलिंग के दौरान धांधली के वाकयात, जलाओ घेराव और मुजाहरे भी हुए। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात कराने पर आलमी बरादरी का तशवीश का इजहार। शेख हसीना की हुकूमत ने इलेक्शन से कबल हज़ारों सियासतदानों को पाबंद सरासल किया, सैकड़ों पर पाबंदियां लगाईं। मुजाहरीन पर गोलियां चलाने से कई अफराद जख्मी और अवामी लीग के रहनुमा कत्ल हुए। मुतनाज़े इंतखाबात के बाद हसीना वाजिद के 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म बनने का इम्कान जाहिर किया गया। आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बायस इस्तीफे की पेशकश। कहा, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासर हो सकता है, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और किसी और को तायुनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर तातुल हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और सेहतयाबी तक इलाज कराएँ। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के जेली वायरस JN1 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। चारों मुतासर अफराद में हल्की अलामत थी, तमाम सेहतयाब हो गए। विफाक और सूबे मुकम्मल अलर्ट, आवाम को भी एहतियात की हिदायत जारी।